हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पूनम का सब लाइफस्टाइल। आज है 17 अप्रैल 2022, जो मेरा बर्थडे है। तो आज के दिन मैं गई थी पनमठ आनंदेश्वर मंदिर, मैंने दर्शन कर लिए थे गाइस। फिर मुझे याद आया कि मुझे व्लॉग बनाना था और सच में बात कर दी। फिर कोई नहीं, मैं अंदर लेके फ़ोन नहीं गई थी क्योंकि वहाँ पर दर्शन करना बहुत मुश्किल हो रही थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी संडे को, तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो मैंने एंड से स्टार्ट किया है ब्लॉग, तो दोपहर हो चुकी थी जिस वजह से यहाँ पे जो भी भगवान के जो पट थे वो सारे बंद हो चुके थे ऑलमोस्ट। बस शिव जी के जो दर्शन थे बस वही आप कर सकते हो, सब बंद थे इधर के, मतलब लॉक लगा हुआ था, बस थोड़ा बहुत खुला हुआ था जो आप दर्शन कर सकते हो। तो मैंने एंड से स्टार्ट किया है, फिर मैं आपको अंदर की तरफ लेके जा रही हूँ। तो यहाँ पे बहुत सुकून सा मिलता है मुझे। मैं हर संडे, ऐसा होता था कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ हर संडे जाती थी, बट बहुत टाइम से मैं नहीं गई हूँ। शायद हो गए 5-6 महीने मैं नहीं गई हूँ, 5 से 6 मंथ हो गए मैं नहीं गई हूँ मंदिर। तो मैं बहुत टाइम बाद गई थी, मुझे बहुत अच्छा लगा, वो भी अपने बर्थडे वाले दिन अपने फ्रेंड्स के साथ, तो अच्छा लगा मुझे। तो वही मैं आपको व्यू दिखा रही थी, कितना अच्छा लगता है ना। और यहाँ पे बहुत सुकून सा मिलता है। साथ में ये मंदिर ना बहुत पुराना मंदिर है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक ऐसा होता है ना कि घाट भी है, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा साथ में। तो आप तब तक मेरे ब्लॉग को एंजॉय करो, मैं पूरा आपको दिखाती हूँ क्या व्यू है। पर दोपहर का टाइम है तो सब रेस्ट कर रहे थे या फिर आराम से अपने दर्शन पूरे कर रहे थे बस, और कुछ नहीं। और ये था कि दोपहर मॉर्निंग का टाइम पे आप पता है आप मंदिर जाते हो तो मॉर्निंग का, ये इवनिंग में जाओ तो बहुत अच्छा लगता है, बट अब किसी भी टाइम जाओ आपको अच्छा लगेगा ही, तो कोई भी टाइम हो चलेगा। पर आप मंदिर गए ना बस उतना ही काफ़ी है। तो मैं गई थी, उसके बाद मैंने दर्शन कर लिए थे पहले ही। मैं ये व्यू आपको जो दिखा रही हूँ वो एंड से स्टार्ट किया है मैंने, क्यों स्टार्टिंग में मैंने ब्लॉग स्टार्ट ही नहीं किया था, मैंने इंट्रो भी नहीं किया, आपको ये भी पता है। तो ये है आनंदेश्वर मंदिर, तो बहुत अच्छा लगता है। अगर आप गए हो ना तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताना, या फिर आप कानपुर से हो, ठीक है। तो आप एंजॉय करो आप मेरा ब्लॉग। तो जब भी आप मंदिर के एंटर करते हो तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा शॉप्स हैं, आप जो भी आप लेना चाहते हो, प्रसाद, भगवान की मूर्ति, फ़ोटोज़, माला, या फिर जो भी आप चाहते हो वो आपको मिल जाएगा। और बहुत अच्छा भी लगता है, आप कुछ भी ले सकते हो यहाँ पे। और ये है घाट, जो कि मैंने मंदिर के जब आप बाहर निकलते हो इधर से जा सकते हो, ये घाट है। वैसे धूप थी तो आप छाए में ही बैठोगे, पर धूप बहुत तेज़ थी। और यहाँ पे आप नाव में भी बैठ सकते हो, नाव वाले आपको घुमा के लाएंगे, पूरा व्यू दिखा के लाएंगे। तो मैं तो नहीं गई थी बट हाँ आप जा सकते हो, तो बहुत अच्छा लगता है। और धूप गर्मी के टाइम पे कितना ज़्यादा गर्म हो जाता है, कुछ कहने को नहीं। तो व्यू बहुत अच्छा था। और ये जो छोटू सा लड़का है ये मेरे को बार बार बोल रहा था दीदी बैठ जाओ कम डिस्काउंट कर दूंगा, और मैं नहीं बैठी, मुझे नहीं बैठने दो भैया, तो मैंने मना कर दिया। तो ये हमारा है इंटर, जहाँ से आप करते हो वहाँ का ये जो गेट है,
तो आई होप आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा, ब्लॉग अच्छा लगा तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब।